Before hair color, as you can see here, 80% roots gray, and here I'm going to use Mesra Glow with this amazing hair color after, as you can see, beautiful. So guys, welcome to Shyama's Makeover. कैसे हैं आप सभी लोग? और आज मैं आज के ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों को सिखाऊंगी खूबसूरत सा ये हेयर कलर, जहाँ पे 80% ग्रे था और हमने इनके बालों को ग्लोबल हेयर कलर किया है. तो इस वीडियो को देखना तो बनता है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे. एज यू कैन सी हेयर बिफोर एंड आफ्टर. जी हाँ, रूट टचअप के बाद हमने इनको TTI मतलब टेक थ्रू इमिजिएटली करके ग्लोबल हेयर कलर भी किया था. सो यस, कैसे हमने इस हेयर कलर को किया है और क्या क्या कलर हमने मिक्स किया है, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग वीडियो फॉर यू ऑल ऑफ यू. आज के वीडियो में आप लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, तो इस वीडियो को देखना तो बनता है. तो एज यू कैन सी हियर, दिस इज अमेजिंग हेयर कलर. तो यहाँ पे बिफोर अगर आप देखोगे, जहाँ 80% ग्रे था, और यहाँ पे हमने इनको दो कलर्स के साथ, आई मीन नॉट दो, ये चार कलर को मिक्स करके इनके पूरे बालों को कलर किया. ऑल्सो गाइज, अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विजिट किया है, पहली बार आप मेरे चैनल में आए हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए है. अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, तो जरूर आज की वीडियो में कुछ आप सीखने वाले और नया. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इनका जो रूट्स है वो 1-1 तो नहीं है, बल्कि 2-2 इंचेस तक थोड़ा सा लंबा ग्रोथ है, वो है 80% ग्रे अगर आप देखोगे. और नीचे का जो ऑलरेडी कलर है वो फेड हो चुका था. मैं हमेशा से इनके बालों में 4.20 बूस्टर के साथ मिक्स करती हूँ, जो कि लॉन्ग लास्ट करे बर्गंडी टोन. ऐसे कौन से शेड है जो बर्गंडी टोन को बूस्ट कर सके? तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले गाइस हम करेंगे रूट टचअप. तो रूट टचअप के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी 11.06. तो हाफ ट्यूब हम लेंगे 11.06. मेजरल का ये शेड है, मेजरलिफ्ट का हाई लिफ्टिंग शेड है. 11.06 लेने वाले हम यहाँ पे. और हम लाइट शेड क्यों ले रहे हैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि इतना लाइट शेड लेंगे हम, उसमें 4.20 मिक्स कर रहे हैं. मैं बताना चाहती हूँ गाइस, अगर हमें 4.20 ही हमारा बेस, बेसिकली हमें 4.20 ही क्रिएट करना है, लेकिन हम उसके अंदर कुछ 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 कलर मिक्स करके उस कलर को हम क्रिएट करेंगे. बेसिकली देखो गाइस, 4.20 और 11.06 अगर आप देखोगे, मैंने दोनों क्वांटिटी इक्वल लिया, पर जितनी क्वांटिटी 4.20 है उतनी क्वांटिटी 11.06. ठीक है, यहाँ पे मेजरल ग्लो का 0.22 है. 0.22 एक तरह से ये बूस्टर का काम करता है, बर्गंडी टोन को और बूस्ट कर देता है. और यहाँ पे पॉइंट जो 4 है, मतलब नंबर जो बेस है, इन पूरे कलर्स का पूरा हाफ लेंगे हम. 4 नंबर जो है, जितनी क्वांटिटी है जो हमने फैशन शेड मिक्स किया है, उसका हाफ लेंगे. मतलब जितनी क्वांटिटी 11.06 पॉइंट डबल मतलब 4.20 है, थोड़ा सा क्वांटिटी हमने 4.22 लिया है, उसमें हम लोग 4 नंबर क्या लेंगे, उसी का बराबर लेंगे. क्यों? बिकॉज 4 नंबर जो है ग्रे कवरेज में हेल्प करता है, हमेशा ध्यान रखना. ये देखो, तो हमने साइड में कर लिया कलर को, मिक्स कर दिया कलर को, एक साथ कर दिया. अब उसी का हम 1.5 गुना डेवलपर मिक्स करेंगे. तो आई होप आपको समझ में आ रहा है. कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क ऑन कमेंट सेक्शन, या आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेंजर में पूछिए, मैं आप लोगों के लिए पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी. देन यस, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल ऑफ यू. आपका कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैसेंजर में, इंस्टाग्राम में पूछिए, या यूट्यूब कमेंट्स में पूछिए, मैं जरूर आपको पूरा बोर्ड पे बकायदा उस क्वेश्चन को राइट डाउन करके आपको समझाऊंगी कि कैसे पॉसिबल है, कैसे नहीं पॉसिबल है. और हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ गाइस, यहाँ पे हमने 11.06 लिया, मैं चाहती तो 4.20 ले सकती थी, बट मैं अगर उसमें अगर मैं उसमें मिक्स कर देती क्या 4 नंबर, तो वो ज़्यादा डार्क साइड चला जाता. तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप 5.62 भी लेके उसमें 4 नंबर हाफ आप मिक्स कर सकते थे. इट्स ऑल अबाउट यू कि आप कैसे टेक्निक्स यूज करते हो. अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आप क्या करते हो. तो यहाँ पे इनका लॉन्ग ग्रे है, थोड़ा सा 2-2 इंचेस ग्रे है, उस पूरे लेंथ तक जहाँ जहाँ ग्रे विजिबिलिटी है, सब में आपने कलर एप्लीकेशन करना है. हमने 11.06 और 4.20 हमने क्या किया, हाफ हाफ लिया, और उसी का थोड़ा सा 1/4.22 लिया मेजरल ग्लो का, और उनका पूरा मिक्सचर का हाफ मैंने 4 ले लिया है. तो यहाँ पे हम कर रहे हैं पहले रूट टचअप. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करने वाले क्या, रूट टचअप. तो गाइस, सबसे पहले रूट टचअप करना है. और नीचे के बालों में बताना चाहती हूँ, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे,
ये बर्गंडी टोन ही था जो मैं हमेशा, जब भी शी ऑलवेज कम्स आफ्टर 4 मंथ, शी इज माई वेरी रेगुलर क्लाइंट. Yes guys, she is my very regular client. She has been coming to me since the last 15 years now. So मैं बताना चाहती हूँ 15 साल से उनका हेयर कलर हो कट हो मैं ही करती हूँ. बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पहले रूट टचअप कर रहे हैं, राइट. पहले हमने रूट टचअप किया तो लॉन्ग ग्रे जो भी है पहले उसको आपने कवर करना है, राइट. उसके बाद हम चलते हैं आगे का प्रोसीजर कि हमने क्या मिक्स किया. ज़रा सोचो, तब तक थोड़ा दिमाग यूज़ करो, थोड़ा प्रेशर डालो दिमाग में कि मैंने ऐसे क्या कलर नीचे यूज़ किया था, ठीक है. पहले हम यहाँ पे रूट टचअप करने वाले हैं, अच्छे से पतला पतला सेक्शन लेके हम लोग यहाँ पे रूट टचअप करेंगे. तो गाइज, इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस है या यू नो लॉन्ग वीडियोस आप चाहेंगे मेरे चैनल में देखेंगे कि मैं जो ट्यूटोरियल्स हैं वो बहुत इजी तरीके से बताती हूँ. ये कलर करना मुश्किल होता है कई बार, यू नो मेकिंग वीडियो एंड देन यू नो आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ या फिर क्लाइंट्स का काम कर रही हूँ, आसान नहीं होता. तो कमेंट्स तो कर दीजिए, लाइक तो कर दीजिए, ज़रा कमेंट्स करके बताइएगा. अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, एक्स बैच स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि रियली में दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल और नॉट. ऑल्सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं 9th batch के लिए ऑनलाइन हेयर कलर क्लासेस के लिए, जी हाँ मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ. 9th batch शुरू होने वाला है हमारा, जब भी स्टार्ट होगा आप अभी से बुकिंग कर सकते हो 9th batch के लिए. सो इफ आर यू लुकिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस जहाँ पे मैं इन डिटेल्स में सिखाती हूँ, जहाँ और अच्छे से आप सीख सकते हो एंड ग्रो कर सकते हो, अपने स्किल को ग्रो कीजिए. अगर आप कलरिस्ट हैं और परफेक्ट आर्टिस्ट बनना चाहते हो, बेस्ट कलरिस्ट बनना चाहते हो, एडवांस लेवल में कलर करना चाहते हो, पहले अपना बेसिक को कम्प्लीट करो. यस, अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आपको कोई भी हिला नहीं सकता, यू नो. अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा मतलब अगर आप बेसिक आपका स्ट्रांग होगा ना, एडवांस में आप परफेक्ट हो जाओगे. उसके लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा. मेरा जो क्लास होता है बेसिक टू एडवांस होता है, मैं 18 साल का एक्सपीरियंस से सिखाती हूँ गाइस. मैं लाइव रहती हूँ, जूम पे क्लासेस होती है हमारी, साल की 2 बैच होता है तो 2 बैच लेना तो बनता ही है. और एक पर्टिकुलर बैच के बाद मैं क्लोज कर देती हूँ बैच लेना, स्टूडेंट्स लेना. तो आप अभी से बुकिंग कर लीजिए. माय कॉन्टेक्ट नंबर इज 9871369576. सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड बुक योर सीट राइट नाउ फॉर ऑनलाइन क्लासेस एडवांस. सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, हम यहाँ पे पहले यू नो हमने पहले हेयर लाइन को कवर किया, देन फ्रंट से लेफ्ट एंड राइट सेक्शन कम्प्लीट किया. अब हम आते हैं एक लाइन का बैक साइड से लेफ्ट एंड राइट सेक्शन कंप्लीट करेंगे. एंड देन उसके बाद पूरे कंप्लीट करना है पहले रूट टचअप, राइट. पहले अच्छे से रूट टचअप करना है आपने. सो कीप वॉचिंग, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जाइएगा नहीं. इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने अभी तक गाइस 1700 से ज़्यादा वीडियो पोस्ट किया, आप जाके देखिए. और यहाँ पे अगर देखोगे 2 कलर्स मैंने लिया, 4.20 और मेजरल ग्लो का 0.22, मेजरल ग्लो का D.22. पता है आपको इंडिया में लॉन्चेस हुए थे, काफ़ी टाइम हो गए इस प्रोडक्ट्स को लॉन्च हुए हुए. लॉरेल ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया इंडिया में. डार्क सीरीज है, रियली बहुत हेल्पफुल है. बूस्टर के लिए भी आप कर सकते हो. D.22 मतलब 2 क्या होता है, 2 वॉयलेट होता है. वॉयलेट क्या होता है भाई, बर्गंडी होता है, सिंपल. तो इसी तरह आपने बर्गंडी टोन को बूस्ट करने के लिए मतलब और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए कलर को आपने इस कलर को मिक्स करना है. तो मैं यहाँ पे 4.20 एंड मेजरल ग्लो का D.22 हाफ हाफ मिक्स कर रही हूँ और 20 वॉल्यूम के साथ मिक्सिंग रेशो अगेन आपको बताइए 1:1.5 क्योंकि दिस इज मेजरल. और हम चलते हैं आगे. यहाँ पे रूट टचअप होने के बाद हम आते हैं नीचे के बालों को. अगर आप ध्यान से देखोगे, जी हाँ, इस कलर को हम बूस्ट करने वाले हैं, इस कलर को हम और डेप्थ लाना चाहते हैं क्योंकि जब क्लाइंट का कलर लॉन्ग लास्ट करेगा ना, वो क्लाइंट हमेशा आपके पास आएगा हेयर कलर के लिए. तो हमेशा ऐसा कलर कीजिए कि क्लाइंट का हेयर कलर लॉन्ग लास्ट करेगा. इस तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जी हाँ, रूट टचअप करने के बाद अब मैं आती हूँ TTI मतलब टेक थ्रू इमीजिएटली. जी हाँ, जब कभी भी आप ग्रे टचअप करते हो और आपको तुरंत बाद बॉटम में काम करना पड़ता है तो उसको बोलते हैं TTI, टेक थ्रू इमिजिएटली. तो यस, ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ मैं ऑनलाइन क्लासेस में. जी हाँ, अभी से बुक कर लीजिए अपना 9th batch. अगर आप लोग मेरे स्वीट क्लाइंट हैं और आप अच्छा कलर के लिए सर्च कर रहे हैं, विदाउट प्री लाइटनिंग मैं कलर करती हूँ. सो आप आइएगा मेरे सलोन में, विजिट कीजिएगा और आई विल गिव यू नाइस कलर विदाउट प्री लाइटनिंग. और मैं बताना चाहती हूँ, इतना लिफ्टिंग कलर आज तक मैंने इनके बालों में कभी प्री लाइटनिंग नहीं किया है पहले. सो हर 4 मंथ में शी ऑलवेज कम्स फॉर ग्लोबल कलर. मैं इसका बोटॉक्स भी कर देती हूँ. आई मीन लाइक हेयर क्वालिटी इज गोइंग टू बी ऑसम.
So now guys, here I'm applying from front side, you know, right side, left side. आपको अच्छे से application करना है. आपका application जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी आपका color का result जो है long last करता है. थोड़ा सा भी hair कहीं से छूटना नहीं चाहिए, you know. अगर कहीं से भी leave हो गया hair, वहाँ पे जो है अच्छे से application नहीं होगा. तो application का थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है. So keep watching, watch this video till the end. और अगर आप लोग कोई different types का hair color search कर रहे हो बालियाज, तो आप जाइए YouTube में type कीजिए, उसमें लिखिए बालियाज hair color by श्यामाज मेकओवर. ये video ख़त्म होने के बाद कुछ video आएगी screen पे, उसको click करना और मेरी next video देख सकते हो आप. उसके बाद next to next video देखने के लिए screen पे click करना और देखिए. So guys, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो नो ब्लीच हेयर कलर में एक्सपर्टीज है. और यू कैन जस्ट कम फॉर नो ब्लीच हेयर कलर ऑल्सो. सो आफ्टर 30 मिनट्स यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन. जी हाँ, कलर की डेंसिटी और बढ़ चुकी है, इंटेंसिटी अगर आप देखते हो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ है कलर में. तो यही क्लाइंट को चाहिए था. सो कैसे लगा गाइज आपको ये कलर, मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताइए. और आगे कुछ सीखना चाहते हो तो उसके बारे में भी यू कैन जस्ट लेट मी नो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ. गाइज, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर एंड लाइक एज मच एज शेयर कीजिएगा, बिगनर्स भी सीखे एंड ग्रो कर सके. दैट इज माई मेन मोटो. थैंक यू अगेन वंस अगेन वॉचिंग माई वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू सून, बाय.